हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद 338 सड़कें बंद हो गई हैं और 4 नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुए। हिमाचल में बर्फबारी से कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। प्रदीप ठाकुर लगातार बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर। प्रदीप, बर्फबारी ने प्रदेश में कई जगह मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले कई रोज से खबरें पहुंचा रहे अपने दर्शकों तक हम, कई सड़कें बंद हैं, 338 के करीब नेशनल हाईवेज भी बाधित हैं, आवाजाही ठपसी हो गई है कई जगह पर। आप बताइए भी क्या हालात हैं और इस दिशा में क्या काम किए जा रहे हैं सरकारी मशीनरी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय के बाद प्रदेश में बर्फबारी हुई है और अच्छी बारिश हुई है, उससे जहां खुशियां भी आई और खासतौर पर बागवानों की बात करें और जो पर्यटन से जुड़े, कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनके चेहरों पर रौनक भी लौटी। लेकिन उसके साथ साथ दुष्प्रभावियां भी आई है और आप देख रहे हैं कि अभी भी वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और कई ऐसे सड़क मार्ग है ग्रामीण में जो भी अब चल रहे हैं और उसमें जो इंटीरियर में जो ज्यादातर सड़कें हैं वो अवरुद्ध है, कई लैंडस्लाइड हुए हैं, कई जगह मार्ग अभी है पर वहां आवाजाही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वहां विशेष परेशानियां है। और उसके साथ साथ जो बिजली के ट्रांसफार्मर है, आपने देखा कि पहले बहुत सारे 1300 से ज्यादा के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर पड़ गए थे, लेकिन अब वो ठीक किया जा रहा है और धीरे धीरे की व्यवस्था पटरी पर लौट रही है और अब 150 के आसपास की, अगर हम ज्यादा संख्या में कहें तो 150 के आसपास की बिजली के है जिनको ठीक करना है, लाइनों को ठीक करना है और फिर बिजली वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन परेशानियां जरूर है और की बात इसमें भी काफी ठंड है, शाम के समय में भी और ब्लैक चल रही है और जो मैदानी भाग है वहां पर धुंध है, कोहरे का वक्त है, लेकिन ठंड तो है, कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट की आई है। प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, इन तमाम खबरों पर अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।